नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज। खबर नालंदा से है। चुनावी बिगुल बजते ही जन अधिकार पार्टी गांव गांव में घूम घूम कर लोगों की जन समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। इसी कड़ी में कराय परसुराय प्रखंड में जन अधिकार पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू दानवीर ने स्थानीय ग्रामीणों से रूबरू होते हुए उनकी जन समस्याओं को बारीकी से सुना। वहीं इस दौरान ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, देखे इस रिपोर्ट में। सबसे विकट जो समस्या यहाँ सैकड़ों गांव का आज ये मैंने समस्या बन चुका है। सैकड़ों गांव वोट बहिष्कार के रूप में मैंने कहीं कहीं से आवाज़ आने लगी है कि हम करेंगे। ये डियामा होल्ड का समस्या है। ये पहले स्टेशन था लेकिन किसी राजनीतिक साजिश के तहत इसे जो कि होल्ड कर दिया गया है। आज बताइए कि 100 गांव के आदमी ट्रेन चढ़ने के लिए दनियामा जाते हैं या फिर हिलसा जाते हैं। बीच में 14 किलोमीटर की दूरी पड़ती है दोनों में। तो आखिर जाए जाप पार्टी, जन अधिकार पार्टी और हमारे इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पप्पू यादव जी ने इसे आंदोलन बना लिया है और ये मांग को पूरा करके ही रहेंगे, पूरा करवा के रहेंगे। इसके लिए चाहे जो करना पड़े जन अधिकार पार्टी करेगी। सर, मांग है डियामा स्टेशन आज से पुराने समय से, मतलब कि जब से रेल चला है छोटी स्टेशन, जब ट्रेन, जब से पूर्व से स्टेशन है, कुछ राजनीतिक क्रम के वजह से मतलब यहाँ का होल्ड किया गया जी। यहाँ परेशानी है, 100 गांव का आदमी है और उसका सभी गाड़ी नहीं रुकती है परेशानी। एगो होल्ड खाली स्टेशन आज भी देखा गया जाए, मतलब स्टेशन आज भी उसका महल भी तैयार है। स्टेशन जो पुराना है आज भी उसका किला खड़ा है। और यहाँ पटना से लेके इस्लामपुर तक ला बस डियामे को सिंगल था, बहुत कि कहूँ नहीं सिंगल था। पहले ट्रेन का यहाँ मिलन होता था जो आज होल्ड कर दिया गया। आज यहाँ सिंगल था, मतलब फतुहा पटना के रोड में